the direction which comes between east and south is known as southeast. In Hindi, it is known as Agnikon, Agnikon or Agnikon ka naam se bhi jaata hai. Okay. आगने भी बोलते हैं, अग्निकोण भी बोलते हैं, तो बस तो बोथ ऑफ द टर्मिनोलॉजी. लेकिन नहीं तो बता ना कई बार ना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको क्या बोलते हैं. हमें तो यही पता था, हमें वो नहीं पता था. द डायरेक्शन विच कम्स बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, इन दो डायरेक्शन के बीच में जो थर्ड डायरेक्शन आती है, दैट इज नोन एज साउथ वेस्ट. इन हिंदी इट इज नोन एज नैऋत्य कोण. थोड़ा लिख रहा है टिपिकल है नैऋत्य कोण. इसमें एक्चुअली क्या है, वो आप लोग अगर हिंदी जानते होंगे तो के वाला वो बनता है, वो के वाला वो बनता है ना नैऋत्य, उस तरह से बनता है नैऋत्य कोण. अगर आपको अगर ऐसे नहीं लिख पा रहे तो यू कैन राइट इन इंग्लिश ऑल्सो. नैऋत्य आप इंग्लिश में ले लो, के एन ए आर आई टी वाई ए, नैऋत्य कोण. ठीक है. Then, the direction which comes between north and west is known as Vayavya Kon or Vayu Kon. ठीक है. तो अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर के आता है. एक तो बीमारी, वन ऑफ द मेजर इश्यू इज ऑफ हेल्थ. ठीक है, हेल्थ के मेजर इश्यूज आने की पॉसिबिलिटीज पूरी बनी रहती है. दूसरा क्या होता है, दिमागी अशांति बहुत रहती है, मेंटल पीस नहीं होती, घर में शांति नहीं होती. घर की सुख शांति जो होती है वो हमेशा डिस्टर्ब है. कई बार आपने देखा होगा कि जैसे लोग कहते हैं ना, जब अपने घर से बाहर रहते हैं तब तो खुश रहते हैं, अच्छा रहता है आपस में भी, और जब हम द मोमेंट वी एंटर इन टू द हाउस, आने के बाद से सब डिस्टर्ब हो जाता है. एक दूसरे से पता नहीं क्या हो जाता है, बात करने का मन नहीं करता या झगड़ा शुरू हो जाता है. तो वहाँ पे इफ़ यू आर हैविंग दैट दिस थिंग ओवर देयर, टॉयलेट ओवर देयर, तो इट इज़ अ बिगर इशू. ये आपकी सक्सेस को भी रोकता है. क्योंकि क्या है, टॉयलेट का मतलब पता है क्या होता है? टॉयलेट का मतलब होता है डिस्पोजल. WC का मतलब है डिस्पोजल. आप वहाँ पे क्या करते हो, डिस्पोज करते हैं. तो यहाँ के जो एट्रीब्यूट्स है, यहाँ के एट्रीब्यूट है सुख शांति, मेंटल पीस, फिजिकल पीस, सक्सेस, वो आप डिस्पोज कर रहे हो. जब आपने यहाँ पर टॉयलेट सीट लगा ली, वो डिस्पोज हुई तो पता लगा कि वो आपका सब सुख चैन शांति सब चली गई. एंड इफ यू आर हैविंग अ किचन ओवर हियर, किचन अगर आप यहाँ पे करते हो तो ऐसे घरों में तो कलेश बहुत होता है. अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन होती है तो कलेश बहुत रहता है. दूसरा, बरकत नहीं होती काम में, कमाई में बरकत नहीं होती. कितने भी आदमी इनकम जनरेट कर ले, लेकिन उसको ये लगता है कि मेरी इनकम पता नहीं कहाँ जा रही है, मेरे को बंद करनी होगी. फिर सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक अगर इधर होता है तो सेप्टिक टैंक इज ऑल्सो अ वेरी बिग कॉज ऑफ इलनेस. बीमारियों का बहुत बड़ा कारण होता है सेप्टिक टैंक अगर होता है. यहाँ पे अगर ओवरहेड वाटर टैंक होता है, इट इज ऑल्सो एक्चुअली रॉन्ग. ओवरहेड वाटर टैंक भी यहाँ पे बहुत खराब होता है. एंड स्टेयर्स आर ऑल्सो वेरी रॉन्ग ओवर हियर. देखिए, आप अपने अपने घरों में चेक करिएगा, अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में कोई कबाट खड़ा हुआ है, कोई अलमारी खड़ी हुई है, कोई भारी ट्रंक रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, तो आप जाके आज उसे हटाओ, और उसे हटाने के बाद आप एक हफ्ते के अंदर आप देखना आपको क्या लगता है. ठीक है, अगर ये ऐसा रहेगा तो वो डिस्टर्बेंस होना ही होना है. कुछ भी भारी रहेगा, हैवी रहेगा, ऊँचा रहेगा, तो ना तो आपकी ग्रोथ हो पाएगी ना सक्सेसफुल हो पाओगे. डिस्टर्बेंसेस रहने ही रहने, लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहेगी. ठीक है, तो इसको अगर आपको सब कुछ चाहिए तो इसको आपको क्लियर रखना चाहिए. एक और चीज़ खास बात ध्यान रखना आप, कि यहाँ पर ना कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए. इस पार्ट में दिन में तो फिर भी धूप की लाइट रहती है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम आती है शाम को. ठीक है, शाम के टाइम में यू मस्ट ट्राई टू मेक श्योर दैट यू शुड पुट अ लाइट ओवर हेयर. एक आप हल्की सी भी लाइट लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन शाम को या रात को यहाँ पर लाइट जरूर रहनी चाहिए. ये अगर अंधेरा रहेगा तो ये परेशान करेगा. ठीक है,